सोमवार को 11वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं डीडीएमए के संयुक्त तत्वाधान में राजघाट राप्ती नदी के किनारे एक दिवसीय बाढ़ आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एवं उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रविन्द्र प्रताप शाही ने प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारम्भ किया, जिसके संबंध में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रविन्द्र प्रताप शाही ने बताया कि दैवीय आपदा से बचाव के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें तो उसका परिणाम अच्छा होगा और लोगों को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है, इसीलिए इस कार्य को टीम भावना से करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ टीम के द्वारा आपदा मित्र एवं आपदा सखी को भी प्रशिक्षित किया गया, जिससे बाढ़ के दौरान आवश्यकता पड़ने पर राहत व बचाव दल के रूप में उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन बचाव संबंधित विभाग कार्य योजना बनाकर व्यवस्थाएं पूर्ण करे, जिससे कि समय आने पर उनकी उपयोगिता सिद्ध हो सके और जन धन की हानि से बचा जा सके तथा बाढ़ पूर्व तैयारी कर लेने से बाढ़ से बचाव किया जा सकता है। इस अवसर पर आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता, एनडीआरएफ के हेड पीएल शर्मा, इंस्पेक्टर डीपी चंद्रा तथा आपदा मित्र एवं आपदा सखी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह तथा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एवं उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रविन्द्र प्रताप शाही ने कहा, आपको स्टेट पर पेज बताता हूँ, कुछ तो मतलब जिसे लगभग 30-40 पेज का बना रहे हैं, इतना इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है वो, केवल कुछ भी आपदा हो जाए वो डॉक्यूमेंट किसी के सामने प्लेस है, बिल्कुल सर, कुछ एक्टिविटी होती रहती है तो अच्छा है। डिजास्टर में भी ये मुझे सर नेशनल लेवल पे अगर कहीं डिस्ट्रिक्ट दिखती हैं, उड़ीसा के बाद मुझे लगता है गोरखपुर वगैरह। हम हाँ। भी होते हैं लेकिन हमारी सोच अब धीरे धीरे पिछले 5-6 फोकस हो रही है। उड़ीसा आपके पास साल पहले कहाँ था, आज कहाँ है, तो हम जहाँ भी हैं उसको बेंचमार्क करके और अगले 5 साल में हमको कहाँ पहुँचना है, यही तो मुख्यमंत्री जी की भी योजना है कि अगले 5 साल में हम इसको एकदम न्यूनीकरण करके हर तरीके से इंडिविजुअल को ट्रेनिंग दे करके भी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हुए, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी भी आई गई है मिटिगेशन की, जी जी, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि नॉन कोलेप्सिबल अमाउंट है वो, अगर पिछले साल इस्तेमाल नहीं कर पाए किसी वजह से तो इस साल कर दीजिए, वो कोलेप्स नहीं होता, मतलब बजट से पहले होता तो बजट नहीं हुआ तो वापस वो नहीं है, तो सबसे बड़ी बात है। और पिछले साल का काफ़ी लेट आया था तो वो तो नहीं हुआ फाइनेंशियल ईयर में, तो 500 करोड़ उसका है, 500 करोड़ इस साल का है, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के करीब है मिटिगेशन के लिए। तो जो ये अभी सब ये बना है कि आपदा में किस तरह से उसको बचाव किया जाए, तो इन सब के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर के अगले बारिश में तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन हम तैयारी शुरू कर देंगे तो कम से कम अगली बारिश से पहले वो प्रोजेक्ट तैयार हो जाएंगे, किसी तरह की हानि ना हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स की हो, जनहानि हो, चाहे पशु हो, और जहाँ तक हो सके प्रॉपर्टी की भी बचाया जाए, तो ये कहीं बंद बनना है उससे क्या फायदे होंगे। इस तरीके से 4 आदमी के लिए सफिशियंट इसको वाटर बॉटल जो बोलते हैं, जनरली हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज करते हैं, इसको क्या करते हैं फ्लो कर देते हैं, इसको चाहेंगे तो बाढ़ के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। हम कैंपियरगंज जाते हैं, कहीं भी कुशीनगर भी गए हैं, तो बच्चे अधिकतर जो स्विमिंग करते हैं छोटे बच्चे इसका यूज़ करते हैं। इसमें ध्यान देना है ये काटन का रस्सी हो, इसमें 2 तरह से नाट किया गया है, एक तो बॉटम ऊपर वाले बॉटम वाले हिस्से से, कैप वाले के पार्ट से, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है कि कैप वाला हिस्सा नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा, नीचे नीचे रहेगा, नीचे रहने से फायदा क्या है, पानी नहीं जाएगा। दूसरा एक और चीज़ ध्यान देना है कि जो आपने लास्ट में टाई किया हुआ है, ये बांधा हुआ है, अगर ये लूज रहेगा खुल जाएगा तो क्या होगा, बॉटल खुल जाएगा, तो इसको पूरी तरीके से क्या करेंगे आप, इस पर जो रनिंग वाटर है, हल्का रनिंग वाटर, नदी में तो नहीं खोला जा सकता, नदी में आपका जैसे लाइफ जैकेट वगैरह है या ये लाइफ जैकेट ना लाइफ जैकेट आपका
थर्माकोल के मात्रा कपड़ा हो गया, लेकिन उसका कलर ब्लैक कलर का ना हो, कपड़ा इस तरीके से, इसका फायदा क्या होगा? दूर से दिखा, क्योंकि फ्लोरोसेंट कलर है, दूर से दिखता है, हमारा बोर्ड फ्लोरोसेंट कलर का है, दूर से दिखता है, ब्लैक कलर रहेगा तो क्या होगा? दिन को भी, रात में, अगर रात में मान लीजिए कहीं किसी लोकल कंट्री में बोर्ड है, उसमें अगर लाइव लाइव जैकेट सभी पहने हुए हैं, 72 घंटे तक आपको टूटने नहीं देगा। इसमें 2-3 लेयर लगाया हुआ है, इसमें एक विसिल भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, विसिल भी इसमें लगा सकते हैं। विसिल का फायदा क्या होगा? आप पानी के अंदर थोड़ा जा सकते हो, पानी ये करके देखिए, जहाँ तक जा सकते बस हो गया, ठीक है, एक मिनट का समय है, जल्दी करिए, जल्दी करो, जल्दी करो, ठीक है, ये हो गया। अब गल्फ की बात करते हैं, अपने आप को हाथ तक चलाते हैं, 2-2.5 मिनट में आप आराम से चला सकते हैं, और कपड़े के किनारे कोई पत्थर बांध सकते हैं, कोई चीज सकते हैं। तरीके से तरीके ठीक हो जाता है, एक वो भी जरिया है इसको आगे बढ़ाने का। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह हूं और ADM फाइनेंस गोरखपुर हूं और DDMA डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का CEO हूं। आज NDRF के तत्वावधान में हमारे जनपद में NDRF है, बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके तत्वावधान में हमारे जो आपदा मित्र हैं विश्वविद्यालय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के, वो बच्चे जो यहाँ पर डिसास्टर मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, उनको यहाँ पर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपने जैसे देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति नदी में क्या हो सकता है, नदी में कोई डूब ही सकता है, और उसको बचाने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं, और सबसे पहला जो तरीका है वो यही है कि आपके अंदर साहस हो और आपके अंदर ये भाव हो कि आप किसी को बचाना चाहते हैं। तो हम लोग उनके अंदर, उनके मन में ये भाव जागृत करा रहे हैं, ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ साथ ही उनके अंदर एक ऐसा विश्वास जागृत कर रहे हैं कि पानी में जाने से या पानी में उतरने से कोई खतरा नहीं है, बस आपको अपनी सुरक्षा करते हुए और दूसरे को सुरक्षित करना है। सर, उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य इसका यही है कि हमारा जनपद, जैसा आप जानते हैं, लगभग 400 गाँव ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं। इसके अलावा पूरे वर्ष भर ऐसा घटनाएँ होती रहती हैं कि छोटे छोटे बच्चे नदी या नाले या तालाब में जाते हैं और डूब जाते हैं। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम इनको ट्रेन करें, ये अपने नीचे इस तरह से लगभग पूरी जनता, पूरे लोग ट्रेन हो जाएं, उनको ये आइडिया हो जाए कि पानी एक ख़तरनाक चीज़ है, जब आप उसके अंदर जाते हैं और तैरना नहीं जानते हैं तो आपको अपने बचाव के साथ पानी में उतरना चाहिए। सबसे पहले तो मैं गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, ADMFR और यहाँ के जो डिज़ास्टर एक्सपर्ट हैं गौतम, उनको हार्दिक मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम इन्होंने जो अभी प्लानिंग किया है, उसके जरिए जो वॉलंटियर्स हैं
और उससे ज़्यादा जो वॉलंटियर हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बच्चे हैं उनको भी शामिल किया गया है एक ये नई रूपरेखा के जरिए। और गोरखपुर इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में ऐसा अग्रणी रहा है और इस पॉलिसी को भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसी के संदर्भ में इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम हर हालत में हर तरह की आपदा चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो आपदा से लड़ने की क्षमता रखें और अपने डैमेजेस को अपने जो उसे क्षति होती है उसको कम करने में सक्षम रहें और उसी के मद्देनज़र ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और जैसा कि मीडिया ने मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया था दो दिन पहले उसको काफ़ी गोरखपुर से भी छपा लखनऊ से भी छपा देवरिया से भी छपा है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस जैसे इस साल आपको पता है काफ़ी टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो गया अप्रैल के महीने में। जून में जो टेम्परेचर होना चाहिए था वो अप्रैल में आ गया है मेरे ख्याल से, तो हम उसकी तैयारी अभी से अगर नहीं करेंगे तो क्षति हमारी ज़्यादा हो सकती है। इसके मद्देनजर रखते हुए हम अभी ड्रॉट से या सूखे से कैसे बचें क्या क्या उसमें डूज डोंट्स प्लानिंग उसकी तैयारी करें और उसको एग्जीक्यूट करें, लू से कैसे बचें, स्कूल भी चल रहे हैं कॉलेजेस भी चल रहे हैं यूनिवर्सिटी भी चल रहे हैं और बाकी जो भी एक्टिविटी होती है कम्युनिटी के अंदर सारी एक्टिविटी चल रही है लेकिन किसी को रोका नहीं गया है, उसको हम ऐसा प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्टिविटी चलती रहे और क्षति ना हो। और उसके बाद जब ये अभी ख़त्म नहीं होगा तब तक लाइटिंग शुरू हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में हमारे प्रयास से लाइटिंग की जो डेथ है वो भी काफ़ी कम हुई है और हुई हैं ज़रूर लेकिन अब की हमने कमर कस लिया है और उसको भी हम मिनिमाइज़ करेंगे, कोशिश यही रही कि ज़ीरो हो। और उसमें ज़रूरी है कि कम्युनिटी उसको अंडरस्टैंड करे और जब कम्युनिटी बेस्ड प्लानिंग होगी कम्युनिटी बेस्ड एग्जीक्यूशन होगा तो हम मैं उम्मीद करता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार की क्षति न हो हम उसको बिल्कुल हासिल कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं हमको। और उसका ये आज जो आज आप देख रहे हैं एक छोटा सा उदाहरण है, हर ज़िले में ऐसी चीज़ें विकसित की जा रही हैं इनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और फ्लड जो जुलाई अगस्त 15 जुलाई के बाद कभी भी आ जाते हैं उसकी भी तैयारियाँ जो हैं हमने शुरू कर दिया है और क्योंकि एडवांस में शुरू किया है तो उसके नतीजे भी अच्छे आएंगे और हम प्रोएक्टिव अप्रोच डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम करना चाहेंगे, ना कि नी जर्क रिएक्शन हो जब वो आपदा हमारे सामने दरवाजे पे आके खटखटा रही है तब क्षति ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर हम प्रोएक्टिव तरीके से काम करेंगे तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि हम हर तरह की क्षति हर तरह के आपदाओं से बचने में निपुणता हासिल हो जाएगी क्योंकि हमने कम्युनिटी को अब एक वेल निट फैमिली की तरीके से वो भी इसी का हिस्सा हैं और क्योंकि जो ज़्यादा प्रभावित होता है वो अगर सीख ले तो फिर हमको विजय हमारी निश्चित होगी और विजय इसमें यही है कि किसी भी प्रकार की क्षति ना हो चाहे वो जनहानि है चाहे पशु हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है और सब चीज़ों से बचा जा सके और जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। और आपको बताएं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी आई है आपदा मित्र की, पूरे प्रदेश में हमने 10,200 आपदा मित्रों को ट्रेनिंग करना है और उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश था पूरे भारतवर्ष में जिसने ये एक्टिविटी शुरू की है और हम करीब 1,000 आपदा मित्रों को ट्रेनिंग करा चुके हैं और ये रफ्तार और अब तेज़ी पकड़ेगी और 10,200 जो है पिछले अगले एक से डेढ़ साल के अंदर हम ट्रेनिंग कर देंगे। उससे ये होगा कि जो ज़्यादा ज़िले प्रभावित होते हैं उसमें ये एक ट्रेंड मैन पावर और ये वॉलंटियर हैं और आपको ये जान करके खुशी होगी और आपके ज़रिए मैं जनता तक भी बात पहुँचाना चाहूँगा कि इसमें बच्चियाँ भी आई थी, एक ज़िले से 17 बच्चियाँ आई थी आउट ऑफ 50 जो उस उनको स्ट्रेंथ दिया गया था, तो एक बहुत बड़ी यू कैन से चेंज है हमारे बिहेवियर में
और हम अपने बच्चों को भी इसमें ट्रेनिंग में ला रहे हैं, और आपके सामने आज भी काफ़ी बच्चियाँ यहाँ पे हैं। तो मैं मीडिया के जरिए पेरेंट्स के पास पहुँचना चाहता हूँ कि हम एकजुट मिल करके एक ऐसा प्लान बनाएं, उसको ऐसा एग्जीक्यूट करें कि हम हर टाइम किसी भी तरीके की आपदा आने के ऊपर सक्षम हैं उसको निपटने के लिए। और इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश, उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है हर हालत में पूरी करेगा, उनका जो निर्देश दिया गया है। और उसमें मैं देख रहा हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के DDMAs हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं, सब ने जागरूकता दिखाई है इसके बारे में। और इस साल हम ज़ीरो अगर नहीं न भी कर पाए तो क्षति को हम मिनिमाइज़ तो करने में हम पक्का, मेरे को उम्मीद है कि हम पहुँचेंगे और उससे उत्तर प्रदेश के जनमानस को हम बचा पाएंगे। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आपके जरिए इसको फैलाया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। और जय हिंद।